नमस्कार, स्वागत है आप सभी का प्राइम टीवी की प्राइम डिबेट में और मैं हूं आपके साथ शिवम। अखिलेश यादव के ड्रीम प्रोजेक्ट गोमती रिवर फ्रंट में भ्रष्टाचार का मामला एक बार फिर सामने आया है। प्रोजेक्ट में शामिल इंजीनियर से लेकर अधिकारियों और सफेदपोश नेताओं ने 1438 करोड़ का हेरफेर किया, जमकर अपने ठेकेदारों पर पैसा लुटाया, लेकिन अब भ्रष्टाचारियों की मुश्किलें बढ़ने लगी हैं। सीबीआई जगह जगह छापेमारी कर रही है, जिसमें एक बीजेपी विधायक के भाई का ठिकाना भी शामिल है। समय के साथ सीबीआई की जांच में तेजी आई है और लगता है कि 2022 से पहले जेल जाने वालों की लंबी फेरिस्त तैयार हो सकती है या फिर कुछ भी हो सकता है। पहले आप रिपोर्ट देखिए, फिर हम चर्चा शुरू करेंगे। यूपी में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले गोमती रिवर फ्रंट का चिन्ह एक बार फिर से निकल आया है। सपा सरकार ने इसे अपना डीम प्रोजेक्ट बताया था, जिसमें करीब 1438 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। हालांकि इस पर काम शुरू होने के बाद से ही कई बार घोटाले के आरोप लगते रहे हैं। सीबीआई ने गोमती रिवर फ्रंट घोटाला मामले में सोमवार को 40 जगहों पर छापेमारी की। इनमें बीजेपी विधायक के भाई अखिलेश सिंह के गोरखपुर और लखनऊ स्थित ठिकाने भी शामिल हैं। सीबीआई की ताजा कार्रवाई परियोजना के 407 करोड़ रुपए कथित घोटाले में हुई है। सिंचाई विभाग के करीब 407 करोड़ रुपए लागत के गोमती रिवर चैनलाइजेशन प्रोजेक्ट और गोमती रिवर फ्रंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में अनियमितताएं और अवैध गतिविधियां सामने आई थी। लखनऊ के गोमती नगर पुलिस थाने में भी इस मामले में एफआईआर दर्ज हो चुकी है। सीबीआई लखनऊ की एंटी करप्शन ब्रांच ने कल नोएडा और गाजियाबाद समेत यूपी के 13 जिलों के अलावा राजस्थान के अलवर और पश्चिम बंगाल के कोलकाता में भी छापेमारी की। इससे पहले सीबीआई ने सिंचाई विभाग के 16 इंजीनियर्स समेत 189 लोगों के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज की थी। ये मामले अधिकारियों, प्राइवेट लोगों, फर्मों, कंपनियों के खिलाफ दर्ज किए गए हैं। छापेमारी के दौरान दो लोगों के यहां से 5-5 लाख रुपए से ज्यादा का कैश बरामद हुआ है। इसके अलावा सभी जगहों से बड़ी संख्या में दस्तावेज, कीमती सामान, प्रॉपर्टी और निवेश से जुड़े कागजात भी बरामद हुए हैं। अभी तक इस मामले में 6 लोगों के खिलाफ चार्जशीट भी दाखिल की जा चुकी है। सीबीआई पूरे मामले की 2 चरणों में पड़ताल कर रही है। एक जांच 1031 करोड़ के 12 कामों से जुड़ी है तो दूसरी जांच 407 करोड़ के 661 कामों से जुड़ी है। दूसरे मामले की पड़ताल में सामने आया कि टेंडर देने के लिए नियमों को ताक पर रख दिया गया। आरोप है कि इंजीनियरों ने निजी व्यक्तियों, फर्मों और उनकी कंपनियों से मिलीभगत कर फर्मों के फर्जी दस्तावेज तैयार कराए, ठेकों के लिए विज्ञापन या सूचनाएं नहीं दी ताकि अपनों को ठेके दिए जा सके। यूपी के गोरखपुर के बीजेपी विधायक राकेश सिंह बघेल के छोटे भाई अखिलेश सिंह बघेल के लखनऊ के स्थित घर और दफ्तर पर भी छापेमारी की गई। इसके अलावा लखनऊ में कुल 25 जगहों पर सीबीआई ने छापे मारे हैं। बता दें कि रिवर फ्रंट घोटाले की जांच में कई सफेद पोशों के कॉलर पर भ्रष्टाचार की छींटे पड़ चुकी हैं और कई सफेद पोश भ्रष्टाचार के कीचड़ की जद में आने वाले हैं। डेस्क रिपोर्ट, प्राइम टीवी। तो आज बात होगी गोमती रिवर फ्रंट घोटाले की। आखिर ये गोमती रिवर फ्रंट जो घोटाला है वो इतना बड़ा क्यों है, आज हम इस चर्चा में ये जानने की कोशिश करेंगे। और कौन कौन से वो बड़े नेता हैं, कौन कौन से वो मंत्री हैं और कौन कौन से वो अधिकारी हैं जो इस पूरे घोटाले में शामिल हैं, इस पर चर्चा की जाएगी। तो सबसे पहले मैं आपका अपने मेहमानों से परिचय करा दूँ। हमारे साथ जो आज इस पैनल में जुड़े हुए हैं उन सभी का मैं आपसे परिचय करा देता हूँ। और भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी और तमाम जो पार्टियां हैं उनसे जुड़े लोग आज हमारे साथ जुड़ेंगे। किसी तकनीकी खामी के कारण थोड़ा सा देर हो रही है, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। लेकिन ये समझना बेहद ज़रूरी हो जाता है कि आखिर जब घोटालों की बात आती है तो पिछली सरकारें जो अपना कार्यकाल पूरा करके गई हैं
उनकी जांच 5 साल में भी आखिर क्यों नहीं पूरी हो पाती, आखिर क्यों चुनाव आते ही ये जांचें शुरू हो जाती हैं। सीबीआई जो कि ऑटोनोमस बॉडी है, आखिर क्यों चुनाव आते ही वो सक्रिय होती है और क्यों इस तरह के मामले सामने उभर कर आते हैं, आज ही हम जानेंगे। लेकिन यह समझना भी बेहद जरूरी है कि एक ऐसा प्रोजेक्ट जिसके लिए करीब 1513 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए, 1513 करोड़ में से 1400 करोड़ से अधिक खर्च कर दिए गए, लेकिन बावजूद इसके सिर्फ 60% काम ही हो पाया। चूक कहां हुई, गड़बड़ी कहां हुई, हम ये समझेंगे। तो हमारे साथ इस वक्त जो जुड़े हुए हैं, मैं सबसे पहले आपका परिचय करा दूं, हमारे साथ पत्रकार मनीष सिंह जुड़े हुए हैं और मनीष सिंह से हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये मामला, ये घोटाला इतना बड़ा क्यों है। मनीष जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्राइम टीवी पर। और हमारे दर्शक ये जानना चाहते हैं कि जिस घोटाले की हम बात कर रहे हैं, आखिर ये घोटाला इतना बड़ा क्यों कहा जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद पहले तो शिवम जी आपका प्राइम टीवी का, और इतने बड़े मुद्दे को उठाने का। देखिए, रिवर फ्रंट घोटाला जब से योगी आदित्यनाथ जी की सरकार बनी है, जो उनका दौरा था, जिस तरीके से वो वहाँ पर पहुँचे थे और वहाँ पर बैठ के एक बिल्कुल नए तरीके से उसकी जांच के आदेश दिए थे, अधिकारियों को बुलाया था और बात करी थी, उस दिन से ये कहना चाहिए कि उस दिन से ये जो मुद्दा था वो एकदम से लाइमलाइट में आया। पिछली जो सरकार थी अखिलेश यादव की, उसमें बहुत सारे प्रोजेक्ट उनके थे जो उनके ड्रीम प्रोजेक्ट कहे जाते थे, जैसे इकाना स्टेडियम, आगरा एक्सप्रेस हाईवे और बहुत सारे ऐसे जो उनका लखनऊ मेट्रो प्रोजेक्ट था। लेकिन उनका ये सब मानते हैं कि जो उनकी छवि थी वो एक डेवलपमेंट मैन की तरीके हुई थी। जब वो इलेक्शन में गए थे तो उन्होंने यही कहा था कि भाई हमारा काम बोलता है, और इस चीज़ को देखने के लिए बहुत से लोग आगे बढ़े थे। लेकिन जब भाजपा एक प्रचंड बहुमत से आई और उसको एक ऐसा चेहरा मिला जो कहीं ना कहीं उनकी विचारधारा को सपोर्ट करता है, उनके सिंबल को सपोर्ट करता है, और जो उनका जो पूरा मूवमेंट चलता आया है उसको सपोर्ट करता है, तो ये दो चेहरों का टक्कर थी। अगर आप इसको इस तरीके से कहें तो एक एंड्रॉइड में गेम होता है क्लैश ऑफ क्लैन, ये दो बड़े चेहरों के बीच की टक्कर है। देखिए, ये हमें समझना पड़ेगा कि समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव जो है, अब आप वो अपने आप को मुख्यमंत्री घोषित कर चुके हैं, उनके कार्यकर्ता मान चुके हैं, और जनता और सोशल मीडिया और मीडिया ने भी ये चीज बना दी है कि भाई अगला मुख्यमंत्री जो समाजवादी की तरफ से जो लड़ेगा, इलेक्शन लड़ेगा, वो अखिलेश यादव होगा। और आप देख रहे हैं पिछले कुछ दिनों में उहापोह मची रही भारतीय जनता पार्टी में कि शायद केंद्र के नेतृत्व में और प्रदेश के नेतृत्व में पीछे से खबर आती रही और बहुत से नेताओं ने इसके बारे में बात भी करी, लेकिन अभी भी चेहरा जो सोशल मीडिया और मीडिया में है वो है कि इट्स योगी वर्सेस अखिलेश। तो जब दो बड़े चेहरों की लड़ाई होती है तो जो दो बड़े चेहरों के काम होते हैं, लड़ाई उस पर भी होती है। देखिए, ड्रीम प्रोजेक्ट था गोमती नगर में, लखनऊ के हार्ट में, बगल में ताज और एनएसओ जैसे बड़े होटल्स हैं, वो भी अपना व्यू दिखाते हैं कि भाई हम रिवर फ्रंट है। जब इतना बड़ा प्रोजेक्ट होता है तो लड़ाई भी बड़ी हो जाती है, स्पेक्ट्रम बड़ा हो जाता है। बहुत जरूरी है जानना कि 14 किलोमीटर का जो ये स्ट्रेच है, ये 2016 में अखिलेश यादव ने इसका इनॉग्रेशन करा, फिर सरकारें बदली, सरकार बदल के ये आई, तो टारगेट वहां पे करा गया कि जो भाई छवि है, वो छवि जो थी विकास पुरुष की, क्या हम उसको क्लैश कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि ये क्लैश ऑफ क्लांस की एक तरीके से लड़ाई है, ठीक है। अब यहां से जो लड़ाई चालू हुई है वो अब चुनाव होते होते अपने क्लाइमेक्स की तरफ तो नहीं कहेंगे, लेकिन प्री क्लाइमेक्स की तरफ बढ़ चुकी है, क्योंकि 2022 का इलेक्शन है। चेहरे आज भी, और दो बड़ी पार्टियां जो इलेक्शन लड़ रही हैं, क्योंकि कांग्रेस भी है, आम आदमी पार्टी ने भी अपनी जबरदस्त एंट्री मारी है, और जो भी पंचायत अध्यक्ष चुनाव हुए उसमें जिस तरीके से गाजीपुर में जो प्रकरण हुआ, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने जो बीजेपी को वोट डाला, ये जो समीकरण बदल रहे हैं। लेकिन आज भी जनता ये मानती है जो दो बड़े फैक्टर्स हैं वो अखिलेश यादव और योगी जी हैं। तो इस छवि को धूमिल करना या इस छवि के विरुद्ध खड़े होना, एजेंसीज अपना काम कर रही है, एजेंसीज के काम पर किसी को शक नहीं है, लेकिन ये जो टाइमिंग है ये बहुत बड़ा मुद्दा है। बिल्कुल, सबसे बड़ा सवाल मनीष जी यही है कि जो टाइमिंग है,
2017 में जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने शपथ ली, उस वक्त मुख्यमंत्री खुद रिवर फ्रंट का दौरा करने पहुंचते हैं और वहां पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और साफ तौर पर यह कहते हैं कि जिस रिवर फ्रंट पर हम बैठे हुए हैं उस पर बहुत बड़ा घोटाला हुआ है और इस घोटाले की जांच होगी और जांच में जो भी आएगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। 6 महीने का वक्त दिया था उन्होंने, 6 महीने में उन्होंने जांच पूरी करने की बात कही थी और साथ ही यह भी कहा था कि जो भी इसकी जद में आएगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। इस वक्त हमारे साथ हमारे भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अश्विनी शाही जी जुड़ चुके हैं। अश्विनी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस प्राइम टीवी की प्राइम डिबेट में। और हमारे साथ समाजवादी पार्टी की तरफ से विवेक पांडे भी जुड़ चुके हैं। विवेक जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं अश्विनी जी आपसे जानना चाहूंगा, 2022 का चुनाव नजदीक है और ऐसे में इस वक्त रिवर फ्रंट की सीबीआई जांच और तमाम जगह पर जिस तरह से भी धरपकड़ की गई, जांच की गई, क्या ये सियासी नहीं है? चुनाव के पहले जी कुछ कह सकता है, विरोधी दल कुछ कह सकते हैं, ये सब पूर्वाग्रह है। इन सबको में कोई तथ्य नहीं है। इसलिए तथ्य नहीं है कि जितनी ये संवैधानिक एजेंसियां हैं, बिल्कुल चाहे चुनाव चुनाव आयोग हो, सर्वोच्च न्यायालय हो, उच्च न्यायालय हो, सीबीआई हो, ये सब चीजें जो है ये संस्थाएं अपना काम करती रहती है। ठीक है, आज देश में माननीय सुप्रीम कोर्ट के पास ऐसे करोड़ों केस पेंडिंग पड़े हैं जिसकी चर्चा हम आप कर चुके हैं कई बार। लेकिन कभी कभी ऐसी चीज हो जाती है जैसे चुनाव के पहले किसी के लिए नहीं आना है, तो ऐसा उस पर सरकार का कोई अंकुश नहीं है। सरकार को जो काम करना था, माननीय योगी जी ने 2017 में जो विपक्ष हमेशा कहता रहा है कि हम बेदाग हैं और हमको न्यायिक जांच कराई जाए, तो रिटायर्ड जस्टिस आलोक सिंह से जांच कराई गई इसकी और इसमें प्रथम दृष्टया ये कार्यक्रम पूरा दोषी पाया गया। पाया गया तो सीबीआई जांच की अनुशंसा हुई, उत्तर प्रदेश सरकार ने सीबीआई जांच की अनुशंसा की। सीबीआई जांच उस समय करती रही, उस समय भी कुछ छापे पड़े, उस समय भी ईडी की जांच हुई, उसके बाद धीरे धीरे उसमें कार्यक्रम। देखिए, एक संस्था है सीबीआई जी, जिसके ऊपर चाहे वो एक हत्या हो जाए, चाहे उत्तर प्रदेश में हम लोग कहीं अछूते नहीं है, वो कांग्रेस हो, सपा हो, बसपा हो, सीधा कहती है सीबीआई जांच कराई जाए, हर चीज की सीबीआई जांच कहते हैं लोग। और आज वही सीबीआई अगर जांच कर रही है तो ये टाइमिंग पर सवाल उठना ये उचित नहीं है। इसको मैं पूर्वाग्रह की बात करूंगा। तथ्य सही ये है कि अभी चुनाव हमारे 7-8 महीने बाद हैं, 7-8 महीने में न इन लोगों को फांसी लग जानी है और न इन लोगों के खिलाफ कुछ अभी कोर्ट में केस जाएगा, जांच होगी, अभी इस पर रिपोर्ट लगेगा, चार्जशीट आए, बहुत कुछ प्रक्रिया बाकी है, तब तक ये हमारा चुनाव बीत जाएगा। और हिंदुस्तान में हर साल कहीं ना कहीं चुनाव होते हैं, तो कब तक हम लोग एक दूसरे एजेंसियों को जोड़ते रहेंगे कि उन्होंने इस टाइमिंग पर गलत किया, ये गलत किया, ये सरकार आई यहाँ गलत किया। लेकिन शाही जी, सवाल तो यही है, 2017 में मैंने कुछ देर पहले भी बताया कि 2017 में जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने शपथ ली थी उस वक्त उन्होंने रिवर फ्रंट का दौरा भी किया था और उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि हम जल्द से जल्द जो भी घोटालेबाज हैं उन पर कार्रवाई करेंगे और उनको जेल के अंदर डालेंगे। लेकिन आज 4.5 साल बीत जाने के बाद भी अभी तक वो जांच पूरी नहीं हो पाई और जैसे ही चुनाव आया उसके बाद फिर से सीबीआई। उस समय जांच हुई थी, उस समय ईडी का इन लोगों के ऊपर जब वो हुआ था, ईडी के छापे पड़े थे, इसमें कुछ फर्में ऐसी हैं, कुछ इंजीनियर ऐसे हैं जो रूप सिंह के ऊपर भी वो हुआ था और कई लोग ऐसे हैं जिनके ऊपर मुकदमे हुए थे जी। एक जांच की प्रक्रिया है सीबीआई के पास, मैंने अभी कहा सीबीआई के पास हो सकता है कि केस ज्यादा हो, इस वजह से वो ना आ पाई हो टाइम पर। अगर 4 महीने बाद ये चीज होता तो भी आप सवाल उठाते, 4 महीने पहले होता था, एक साल बच गया है तो एक साल के बाद उठा, तो सवाल तो कभी भी उठेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि पक्ष रखने के लिए विवेक पांडे जुड़े हैं। शाही जी, मैं आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगा। समाजवादी पार्टी से हमारे साथ विवेक पांडे ही जुड़े हुए हैं। विवेक जी, आप तो कहते हैं कि आपका काम बोलता है लेकिन यहाँ पर तो घोटाला बोल रहा है। विवेक जी, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है?
पहले तो पूरे मंच के सामने मैं सर इधर धन्यवाद देता हूँ आपके चैनल को कि आपने इतने ज्वलंत विषय को राष्ट्रीय पटल के समक्ष रखा जी। और नियत और नियति दोनों को सामने लाने का एक अवसर प्रदान किया जी। पैनल में सभी बैठे पक्ष विपक्ष के जो भी हमारे पत्रकार बंधु जो कार्यकर्ता आईएएस महोदय जो बैठे सभी को मैं प्रणाम करता हूँ। और इसके साथ ही मैं आपको एक चीज बता देता हूँ कि इस देश का इतिहास बड़ा विचित्र रहा। देखिए इस देश के इतिहास में 70 साल में इतने प्रधानमंत्री इतने मुख्यमंत्री मगर एक प्रधानमंत्री एक मुख्यमंत्री को छोड़ करके न किसी ने देश को रुलाया न खुद रोए। चलिए वही बात आपने अभी एक बात कही थी कि विपक्ष के पूर्ववर्ती सरकारों के घोटाले, तो मैं आपको बता देता हूँ ये तो पहली सरकार इस देश की ऐसी होगी जिसके की वर्तमान में सरकार में रहते हुए लगातार घोटाले सामने आ। जब कोविड की पहली लहर आई तो सुल्तानपुर में घोटाला इनके ही भाजपा के विधायक जी ने मणि द्विवेदी जी ने उजागर किया। उसके बाद वर्तमान में भी जो की जो आप कह रहे थे की घोटाले पूर्ववर्ती सरकारों में, तो ये तो वर्तमान सरकार के घोटाले उजागर हो रहे हैं आपके। पहली बात। दूसरी बात, पहले आपका कमेंट इस घोटाले पर, क्योंकि आज हम बात रिवरफ्रंट घोटाले की कर रहे हैं जी। जी क्या रिवरफ्रंट आप जिस स्थिति में देख रहे हैं, क्या रिवरफ्रंट उसी स्थिति में हमने आपको दिया था? इस प्रदेश को क्या इसी स्थिति में दिया था पहले? दूसरी बात, आप जांच करवाइए, हमने कब मना किया? हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन सबसे पहले कार्रवाई इनको करनी चाहिए। फिर ऐसे में अपने मंत्री सुरेश खन्ना के ऊपर और उनके साथ जो अध्यक्षता की इन्होंने 4 सदस्य समिति का गठन किया था और जिन्होंने सारे मंत्री हमारे मंत्रियों को तो क्लीन चिट इन्होंने दे रखी है, इन्हीं की कमेटी थी और सुरेश खन्ना जी की अध्यक्षता में, तो इसका मतलब या तो वो जिम्मेदार जो अध्यक्षता में जो कमेटी गठित हुई थी जिन्होंने हमें क्लीन चिट दी थी उन्होंने इसमें सरकार विरोधी कार्यों में लिप्त रहे, वो तो पहले तो इनपे कार्रवाई करनी चाहिए। और रही बात सीबीआई की, तो देखिये सीबीआई तो हंसी आती है, मुझे नहीं कहना चाहिए, लेकिन सरकारी तोतों की एक बयार आती है, सरकारी तोते की एक बयार आती है जिसको यूपी बहुत पसंद है चुनाव आते ही, और सुप्रीम कोर्ट जैसी संस्था जब इसको तोता कह दे तो मुझे नहीं लगता कि ऐसी एजेंसी को बहुत गंभीरता से लेने की कोई आवश्यकता है, क्योंकि आपको याद होगा सुप्रीम कोर्ट ने इसी एजेंसी को फटकार लगाते कहा था मालिक की आवाज बोल रहे हैं पिंजरे में बंद तोते की तरह। तो मैं ऐसी संस्थाओं को बड़ी गंभीरता से नहीं लेता हूँ, न समाजवादी पार्टी लेती है। हाँ आप तो पूर्ववर्ती घोटाले की बात कर रहे हैं, बात कर रहे हैं आप इसको बहुत ज्यादा गंभीरता से नहीं लेते हैं। हम नहीं लेते क्योंकि हमारे हाथ में नहीं है। ठीक है इनके हमारे साथ हमारे साथ वरिष्ठ आईएएस एस के द्विवेदी जी भी मौजूद हैं। एस के द्विवेदी जी बहुत बहुत स्वागत है आपका प्राइम टीवी की इस प्राइम डिबेट में। द्विवेदी जी, ये घोटाला किसी से छिपा नहीं है, हर कोई इस बारे में जानता है कि कितना बड़ा घोटाला ये हुआ है। 60% काम ही सिर्फ वहां पर हो पाया है, जबकि पूरा बजट, लगभग पूरा बजट इसका है वो पूरा एग्जॉस्ट हो चुका है। यहाँ पर कमी किसकी नजर आती है द्विवेदी जी, अधिकारियों की या नेताओं की? आपका पहला कमेंट मैं जाऊंगा शिवम, इसमें मिली भगत थी अधिकारियों और नेताओं की, दोनों की जी। अगर आप जस्टिस आलोक सिंह साहब जिनकी पहला इंक्वायरी कमीशन बना था तो उसकी रिपोर्ट पढ़ेंगे जो 54 दिनों के बाद आई थी, तो उसमें लिखा था कि प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कुछ फर्म्स को और कुछ लोगों को फेवर करने के लिए जो नॉर्म्स हैं कॉन्ट्रैक्ट के वो बदल दिए गए और जो प्रक्रिया एडॉप्ट की जाती है टेंडर की वो न करके सीधा सीधा जो है काम बांट दिया गया, इसलिए ये बड़ा मामला संदिग्ध प्रतीत होता है और आवश्यक है कि इसकी जांच किसी विशिष्ट एजेंसी से करा ली जाए। ये 2017 मई का मामला है। इसके बाद क्या हुआ कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने माननीय तत्कालीन नगर विकास मंत्री सुरेश खन्ना जी की अध्यक्षता में एक समिति गठित की कि जो पूरी पारदर्शी तरीके से इसको देख ले। उसकी रिपोर्ट आने के समय जी। इस मामले को इकोनॉमिक ऑफेंस विंग को दिया गया उत्तर प्रदेश की कि वो इसकी जांच शुरू करे। जब वो जांच अभी शुरू कर ही रहे थे, कागजात इकट्ठे कर रहे थे, तभी ये जांच सम्यक विचारोपरांत सीबीआई को ट्रांसफर कर दी गई। 2019 में उन्होंने पहला एफआईआर गोमती नगर थाने में दर्ज कराया और 2020 में उन्होंने एक सप्लीमेंट्री लिस्ट बनाते हुए गुलिस्ता थाने में दूसरी एफआईआर दर्ज की जिसमें कुल मिला के करीब 179 लोग चिन्हित हैं। ठीक है,
जहां तक रेड का प्रश्न है, जब वो कागजात इकट्ठे हो जाते हैं जो सोमवार को इन्होंने रेड की है, इसके पहले इकोनॉमिक ऑफेंस विंग को छोड़ दीजिए, ईडी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट जो होती है उसकी रेड हो चुकी है और 17 लोगों की प्रॉपर्टीज को अटैच करने की प्रक्रिया भी चल रही है। अब इसमें दो बिंदु आते हैं कि जो बजट एलोकेटेड था क्या उसका सदुपयोग हो पाया। जैसा कि आपने पहले कहा शिवम कि 1407 करोड़ रुपए का बजट एलोकेटेड था और 1400 रुपए खर्च हो चुके हैं और कार्य अभी 60% हुआ। इसके अतिरिक्त जो 407 करोड़ रुपए ड्रेजिंग और चैनलाइजेशन के लिए थे उसका उपयोग कहां हुआ, कैसे हुआ, ये अभी तक एक यक्ष प्रश्न है। बिल्कुल। अब रह गई बात कि गोमती रिवर फ्रंट की उपयोगिता, उपादेयता और धन के जो सरकारी धन है उसका दुरुपयोग, इसको कैसे देखा जाए। आरोप प्रत्यारोप हटा दें, ये प्रत्येक टैक्स पेयर के आई हुई धनराशि है जिसको सरकार विकास के कार्यों में खर्च करती है। और जब गोमती रिवर फ्रंट की परिकल्पना हुई थी जी, तो मैं सचिव आरईएस हुआ करता था यहाँ पे जी, और मैं कई मीटिंग्स में इनके शामिल हुआ हूँ जी। साबरमती रिवर फ्रंट का डेवलपमेंट जो अहमदाबाद में हुआ है उसको आदर्श मानते हुए ये कार्य किया गया, लेकिन जैसा कि जस्टिस आलोक सिंह साहब की रिपोर्ट में भी लिखा हुआ है, जैसा कि सुरेश खन्ना जी की अध्यक्षता में गठित कमेटी की भी रिपोर्ट में लिखा है कि उसका दुरुपयोग किया गया। विदेश यात्राएं की गई, विदेश से सामान लाए गए जो बहुत महंगे थे, जो यहाँ के लिए अप्रोप्रिएट नहीं थे, ड्रेजिंग नहीं हो पाई, चैनलाइजेशन नहीं हो पाया। जो 37 नाले गोमती में गिरते हैं जिसको पहले डाइवर्ट करना था, उसमें से एक तिहाई नाले भी अभी तक चैनलाइज नहीं हो पाए, डाइवर्ट नहीं हो पाए। और यही मेन प्रश्न था कि क्या उस 1407 करोड़ रुपए का सदुपयोग गोमती रिवर फ्रंट के विकास में किया गया। अब रह गई बात कि जो टाइमिंग की आप बात कर रहे हैं कि चुनाव सामने है और इस समय रेड की क्या उपयोगिता है, ये विभागीय कार्रवाई जो हो रही है, जो सीबीआई जांच एजेंसी है उसको बहुत सारे काम करने होते हैं, वो बहुत सारे डेटा इकट्ठे करती है और इसमें बहुत सारे चूंकि सफेदपोश लोग भी इन्वॉल्व हैं तो इसलिए बहुत फूंक फूंक के कदम उठाते हैं ये लोग। और जब सब चीजें सिद्ध हो जाती हैं, जब चीजें प्रूव्ड हो जाती हैं, तभी रेड होती है। हम ये मानते हैं कि इस पूरी जांच में एक समय होता है और वो समय लगता भी है, ये हम मानते हैं। समाजवादी पार्टी के विवेक पांडे जी हैं। विवेक जी, तमाम अनियमितताएं सामने आ चुकी हैं, आपकी सरकार ने जो आपके चहेते थे उनको टेंडर दे दिया और कई ठेकेदार तो ऐसे हैं कि एक फर्म उनकी पत्नी के नाम पर है और एक दूसरी फर्म पति के नाम पर है, इस तरह की तमाम चीजें देखने को मिली हैं, क्या कहेंगे आप? नहीं नहीं बिल्कुल, आप ये भी बताइए कि हमने तो भाजपा के विधायक को भी टेंडर दिया था, वो उसमें अगर योग्यता रखते थे तो उनकी कंपनी को भी टेंडर मिला, आज वो भी नामजद है, उनके छोटे भाई जैसे भाजपा विधायक राकेश सिंह बघेल, छोटे भाई अखिलेश सिंह जी भी नामजद है। तो चार चरित्र चेहरे के आधार पर अभी तक तो लेकिन भाजपा ने इनके ऊपर कार्रवाई नहीं की और ना इनको निष्कासित किया, ना ही कोई दंडात्मक कार्रवाई इनके ऊपर की गई है। रेट पड़ना तो एक अलग चीज है, लेकिन मेन बात है कि पार्टी में तो ये बने हुए हैं ना, तो अपने पद रसूख का दुरुपयोग कर सकते हैं। दूसरी बात, अगर आप इस तरह की जो आपका कहना है, वक्तव्य है आपका, अगर वो साक्षात रूप से है तो मैं तो कह रहा हूँ ये पहली सरकार है जिसमें 27 नाले गंगा में आज भी गिर रहे हैं, हजारों करोड़ की योजना नमामि गंगे पे खर्च है और ये तो बाकायदा भ्रष्टाचार के ज्वलंत उदाहरण है। पीपीई किट के घोटाले ले लीजिए, अभी वर्तमान तीसरी लहर से जो लड़ने की तैयारियां चल रही हैं उसमें ब्लैक लिस्टेड फर्म से तो ये लोग कृषि इक्विपमेंट खरीद रहे हैं, इनके पूर्ववर्ती जिम्मेदार अधिकारी आज भी पदों पे बैठे हुए हैं जिन्होंने पिछली बार घोटाले के लिए पहली लहर की आप बात कर रहे हैं, वहां पर भी जांच हुई है, वहां पर भी सीबीआई की टीम पहुंची। मैंने तो कहा ना पार्टी ने क्या कार्रवाई की, हमने तो अपने कई जिलाध्यक्षों को निकाल के बाहर कर दिया, चलिए अनियमितता के आरोप में, लेकिन इन्होंने क्या कहा, ये तो पार्टी में बने हुए हैं ना। जी आने दीजिए आगे जी, रुकिए शाही जी, मैं आपको मौका दूंगा, पहले विवेक जी की बात सुन लीजिए। आरोप सुनने सिर्फ नहीं बैठा हूं यहां, आप बात सुन लीजिए शाही जी, मैं आपके पास भी आऊंगा, शाही जी मैं आपके पास भी आऊंगा, दो मिनट दीजिए विवेक जी को, अपनी बात पूरी कर लेने दीजिए।
मुझे बस इस बात का जवाब दे दीजिए कि वेंटिलेटर 10,27,000 में एमपी में आप ही की सरकार खरीद रही, यूपी में वही वेंटिलेटर 22 लाख का हो जाता है, आरटीपीसीआर 14,50,000 का एमपी खरीद एमपी सरकार आपकी भाजपा की खरीद रही है, 49 लाख रुपए में यूपी में। चलिए मुद्दे से भटक रहे हैं, शाही जी आप बताइए, भाजपा भाजपा की सरकार है, ऐसे में आपके विधायक के भाई भाई पर कोई भी कार्रवाई क्यों नहीं हो जाती है? देखिए दो तीन बातें मैं कहूंगा। पहले तो हमारे मित्र जो है विवेक जी ने जो भी आरोप लगाए हैं उस आरोप का जवाब सुन लें। पहला भाजपा विधायक के भाई की बात आई, भाजपा विधायक के भाई के साथ अकेले एक भाजपा विधायक और एक नाम और जोड़ लेता हूं, हमारे एक और नेता के यहाँ छापा पड़ा है, इसमें कहीं कोई पार्शियलिटी नहीं है। अगर सपा सरकार में उन्होंने काम किया है तो उनके घर भी छापे पड़े हैं। ये दिखाता है कि एकदम जो है पारदर्शी तरीके से काम हो रहा है, पहली चीज। दूसरी चीज, ये मुद्दे से भटक रहे हैं, मैं इनको याद दिलाना चाहता हूं, गायत्री प्रजापति को जब तक माननीय सुप्रीम कोर्ट ने नहीं फटकारा तब तक इन्होंने जो है पार्टी से नहीं निकाला उनको, इतने दिन तक वो करते रहे। अभी तो कल ये उनके भाई का नहीं, अभी कल तो हुआ, अभी ये कल हुआ। विवेक जी पहले पूरी बात सुन लीजिए, विवेक जी ऐसे बीच में नहीं, पहले पूरी बात सुन लीजिए शाही जी। कल जो है ये छापे कल पड़े हैं और वो भाई की उनके फर्म है, ये अगर पार्टी ये अगर उचित समझेगी कि उनके ऊपर कार्यवाही करेगी। इनके यहाँ की चीजें अभी हमारे दो बातें इन्होंने मतलब आउट ऑफ ट्रैक कही और यहाँ से जो है डिरेल कराकर इन्होंने माननीय प्रधानमंत्री जी के ऊपर कहा कि आज तक कोई प्रधानमंत्री ने रोया था न रुलाया था। मैं शर्म आनी चाहिए इन लोगों को, जो देश का प्रधानमंत्री अगर अपने देश के वासियों के लिए रोता है उस पर ये लोग उंगली उठाते हैं। इनके सहयोगी जाकर बाटला हाउस कांड पर लोग रोते हैं, वहां पर नहीं कोई कुछ कहता है। अखिलेश जी के माननीय पिताजी नेताजी जब सरजू में कार सेवकों का खून बहाते हैं उस समय ये नहीं रोते हैं, ये कहते हैं लड़कों से गलतियां हो जाती है तो ये नहीं रोते हैं। अब मैं रोकूंगा नहीं, नहीं नहीं हम अभी वहां पर प्रधानमंत्री रोने पर बात नहीं कर रहे हैं। मनीष जी 1500 मैं चाहूंगा इन दोनों की ऑडियो डाउन कर दीजिए। मनीष जी 1513 करोड़ का बजट अलॉट किया गया, पूरा स्वीकृत किया गया और उसमें से 1400 से ज्यादा करोड़ का बजट एग्जॉस्ट हो गया और बावजूद इसके काम सिर्फ 60% हो पाया, कहाँ चूक रह गई? देखिए समझने वाली बात यह है कि जब ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था तो जो पहला बजट एलोकेट करा गया था वो मेरे ख्याल से शायद 656 करोड़ का था जी, और फिर उसको बढ़ा के जो है 1513 करोड़ का जैसे आपने बताया वो हो गया था। 60% काम हुआ है, ये सब हम मानते हैं कि 60% काम हुआ है। ये सारी बातों के बावजूद बहुत से लोगों के नाम आ रहे हैं, सीबीआई अपनी छापेमारी कर रही है, ईडी अपना काम कर रही है, ठीक है, लेकिन बात घूम फिर के वही आ जाती है, बंगाल चुनाव थे, टाइमिंग। देखिए आप समझिए राजनीति में टाइमिंग का बहुत बड़ा खेल होता है, ठीक है, आप इस चीज को समझिए, अगर कोई घोटाले में आरोपी है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और हमारी एजेंसीज वो कार्य कर रही हैं, लेकिन क्या ये जो टाइमिंग है इससे वोट बैंक को शिफ्ट कराया जा सकता है, एक माहौल बनाया जा सकता है या फिर एक ऐसा काम करा जा सकता है कि देखिए जैसे उन्होंने कहा कि मैंने बीजेपी के जो हमारे विधायक हैं उनके छोटे भाई जिनके रीशु कंस्ट्रक्शन नाम की कंपनी है, सिंचाई विभाग में वो टेंडर लेते हैं और लगातार काम करते हैं, उनका भी नाम है। तो देखिए ये बहुत बड़ा सोचने का विषय है, लोगों के अपने अपने मत है, कुछ लोगों का तो कहना ये है कि जब आप बड़ा खेल खेलते हैं तो अपने छोटे प्यादे को मार देते हैं, ठीक है, उससे ये दिखता है कि जैसे आप देखिए कुलदीप सिंह सेंगर वाले मामले में जो देरी हुई जो लोगों को बचाया गया उससे कहीं ना कहीं जो अभी तत्कालीन उत्तर प्रदेश सरकार है उसकी छवि बहुत धूमिल हुई। तो क्या ये एक तरीके का बैकअप प्लान है कि फ्रंट में किसी और को अटैक करो और सामने से अपना एक मोहरा आगे बढ़ा के उसको डाइल्यूट कर दो? लेकिन बात ये भी सही है जो जिस तरीके का ये घोटाला दिखाई पड़ रहा है, जिस तरीके की जो है आप जैसे आईएएस साहब ने बताया आलोक सिंह जी की रिपोर्ट थी और उन्होंने कहा जो फर्स्ट विजन जो प्रथम दृष्टा में जो रिपोर्ट थी कि उसमें चीजें थी फ्लक्चुएशंस थे, बहुत सारे डेटा नहीं मिले हैं, छापेमारी लगातार चल रही है, तो कहीं ना कहीं दोनों पार्टियां क्लीन चिट नहीं है। लेकिन मुद्दा घूम फिर के मैं वही कहूंगा शिवम जी की टाइमिंग जो बहुत आ जाता है, क्योंकि 2019 में एफआईआर हुई, 2017 का मामला, आप समझिए 2 साल लोकसभा के चुनाव के आसपास, तो क्या मुद्दे उस टाइम उठाए जाते हैं? क्योंकि देखिए ये समझना होगा कि ये टैक्सपेयर का पैसा है, एक रिवर फ्रंट बनाया गया सौंदर्यीकरण के लिए बनाया गया, लोग वहां जाते हैं, आज भी लोग जाते हैं वहां सेल्फी के जाते हैं और आप फॉर्म सब जानते हैं कि वहां बहुत भीड़ लगती है और चाहे भाजपा हो चाहे समाजवादी हो
सबके अच्छा मनीष जी एक चीज और देखिए, ये मंत्रालय शिवपाल सिंह यादव के हाथ में था जी, जो कि सिंचाई मंत्री थे उस जी, ठीक बात है बिल्कुल। और आज शिवपाल सिंह यादव का नाम इतनी जोरों शोर से नहीं लिया जा रहा है, देखिए जितना कि अखिलेश यादव का नाम लिया जा रहा है। देखिए मैंने आपसे क्या कहा, लड़ाई फिर वही क्लैश ऑफ क्लांस की आ जाती है, दो बड़े योद्धा जब लड़ते हैं ठीक है, तो ये आप जैसे हम सब जानते हैं कि जो भारत की जनता का जो चुनाव है वो कार्यों पे तो होता है, भारत की जनता अपने में बहुत विवेकपूर्ण है, इसमें कोई भी दो राय नहीं है, लेकिन जो कुछ दिन पहले के मुद्दे होते हैं वो कहीं ना कहीं, ये आप मानिए हम सब मानते हैं कि हमारे वोट्स में परिवर्तन लाता है, सोच में परिवर्तन लाता है, और ये देखने वाली बात होगी कि चलिए अब आगे क्या कुछ चीजें सामने निकल कर आएंगी वो तो हमें जल्दी पता चलेगी। हमारे साथ एस के द्विवेदी जी मौजूद हैं लगातार। द्विवेदी जी, एक टेंडर निकलता है, उसमें एक बजट स्वीकृत किया जाता है, उसके बाद लगातार उसकी जो रकम है वो बढ़ती रहती है, वो लगातार बढ़ती रहती है, पहले उसकी रकम कुछ होती है उसके बाद वो लगातार बढ़ती रहती है, इसमें ये चीज़ें कब होती हैं या कब ऐसा होता है जब किसी भी टेंडर को, जो टेंडर अपनी मूल रकम या जो मूल उसकी जो कह सकते हैं आप जो उसका बजट एलोकेट किया था उससे ज़्यादा बढ़ता है, ऐसा कब होता है और क्यों किया जाता है ऐसा? देखिए शिवम, इसके एक सेट प्रक्रिया है और पीडब्ल्यूडी के स्टैंडर्ड नॉर्म्स हैं जिसको हर टेंडरिंग पार्टी चाहे वो किसी भी विभाग का हो उसको फॉलो करता है, और उसमें ये दिया हुआ है कि 10% तक वेरिएशन एक्सेप्टेबल है, इसके बाद एक सेट प्रक्रिया है कि उससे उसको पूरे बजट को रिवाइज किया जाएगा जो भी विभाग करेगा, और उसकी जो संस्तुति होगी वो मुख्यमंत्री तक को जाएगी और मंत्रिपरिषद के अनुमोदन के बाद अगर वो 25% से ज्यादा है तो बजट को रिवाइज किया जाएगा। इस संदर्भित प्रकरण में ये भी नहीं हुआ, जस्टिस आलोक सिंह साहब ने ये बहुत स्पष्ट रूप से अपनी रिपोर्ट में लिखा है, ये मैंने बहुत पूरी रिपोर्ट पढ़ी है, द्विवेदी जी बहुत जी बड़ा आप, मैं बहुत स्पष्ट रूप से आपको बता रहा हूँ, अभी जैसे पत्रकार महोदय ने बताया था कि 656 करोड़ का बजट स्वीकृत हुआ, उसके बाद वो बजट 900 करोड़ का हो गया, उसके बाद 1132 करोड़ का हो गया अंकित, एंड उसके पश्चात वो 1526 करोड़ का हो गया। ये सारी प्रक्रिया जो फाइनेंशियल हैंडबुक वॉल्यूम 1 दिया हुआ है जिसमें टेंडर की एक निश्चित प्रक्रिया दी हुई है उसका वायलेशन किया गया, और वो वायलेशन दोनों जांचों में स्पष्ट रूप से आया, इसीलिए ये कहा गया कि इसकी जांच किसी विशिष्ट एजेंसी से कराई जाए, चाहे वो सीबीआई हो, चाहे वो ईडी हो, चाहे वो अन्य कोई विशेष एजेंसी हो, ताकि वो इनकी बारीकियों में जाकर के ये देख सके कि ऐसा किन परिस्थितियों में किया गया और कितने रुपए का डेविएशन हुआ। ठीक बात है विवेक जी, सीबीआई जांच कर रही है, क्या आपको भरोसा नहीं है सीबीआई पर? देखिए सीबीआई के ऊपर बात भरोसे की नहीं है, संवैधानिक संस्थाओं की जब बात होती है तो बहुत जरूरी है इन संवैधानिक संस्थाओं की कार्यप्रणाली को और इन संवैधानिक संस्थाओं के इतिहास को भी टटोलने की। सीबीआई आज के वर्तमान समय में अगर मैं बात करूं तो सीबीआई जैसी संवैधानिक संस्था के ऊपर जब सुप्रीम कोर्ट या उनके अपने अधिकारी सवाल खड़ा करते हैं तो कहीं ना कहीं देखिए संदेह उत्पन्न होता होना एक लाजमी बात है। बहरहाल न सीबीआई हमारे हाथ में है, न सीबीआई हमारे कहने से चलती है, न सीबीआई हमारे कंट्रोल में है, और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं आपके चैनल के माध्यम से सिर्फ इतना ही कह सकता हूँ कि सीबीआई को अपनी साख बचाने के लिए निष्पक्ष रूप से जांच करें। हम काम ना कर रहे हैं, हम तो जांच में कोई इंटरप्शन कर रहे हैं, हम तो पूरा कॉपरेट कर रहे हैं। अगर हमारे किसी भी पार्टी के पदाधिकारी का नाम आता है हमने तो कभी सीबीआई जांच के लिए डिनाई नहीं किया, लेकिन यह है कि सीबीआई को अपनी साख बचाने के लिए स्वयं निष्पक्षता पूर्ण अपने तरीके से संवैधानिक तरीके से काम करना चाहिए, किसी का किसी के इशारे पे या मैनिपुलेट करने के लिए चुनावों के हिसाब से, क्योंकि उत्तर प्रदेश में तो कई डीएम दिखाई दिए इस बार, कई अधिकारी दिखाई दिए जो चुनाव लड़ रहे थे, भाई जिला पंचायती के चुनाव में कई वीडियो वायरल हुए, उनको तो आप नहीं झुठला सकते, जो दिख रहा है उसको आप कैसे कह देंगे? भाई आंखों का अंधा ही अंधा कहा जाता है, जो दिखाई दे वो तो अंधा नहीं है। तो मुझे लगता है सीबीआई निष्पक्ष रूप से काम करे, हम हमें उससे कोई आपत्ति नहीं, हम कहां आपत्ति दर्ज करा रहे हैं जी। शाही जी, संवैधानिक संस्थाओं पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं, आप क्या करेंगे? आप जी एक निवेदन करते हैं कि आप जो है जी विवेक जी, अब जवाब सुन लीजिए।
नहीं, जब आपकी बात नहीं है। नहीं, मैं आप ही से कह रहा हूँ, आप बोलिए। विवेक जी बीच में बोल रहे हैं, पूरा बोलने का मौका नहीं, उसके बाद आप कह रहे हैं आवाज डाउन कर दिया जाए। अगर ऐसा है तो हम लोगों को निर्देशित कर दीजिए कि बुलाएंगे नहीं, या आप छोड़ नहीं, नहीं सर चले। सर आप गलत समझ रहे हैं शाही जी, आप गलत समझ रहे हैं। मैं देखिए आप समझिए, हम जब रिवर फ्रंट और उससे जुड़ी तमाम चीजों की बात करने के लिए बैठे हैं, तो अगर उसी पर बात हो तो ज्यादा बेहतर होगा। हम अगर पीछे चले जाएंगे, देखिए हम शाही जी, आप ये भी जानते हैं कि देश के प्रधानमंत्री जो इस समय वर्तमान है, वो हमारे और आपके सबके हैं, उनके ऊपर अगर इस तरीके का निंदनीय टिप्पणी की जाएगी तो मैं नहीं बर्दाश्त करूंगा, चाहे रिवर फ्रंट का मामला हो चाहे जो, क्योंकि सपा ने सिर्फ घोटाले किए हैं, यहां से सफाई तक नाच करवाया है। खाली मुलायम सिंह यादव होते थे तो अपना जन्मदिन मनवाते थे, आज बताइए देश के प्रधानमंत्री जी या योगी जी अपना जन्मदिन कैसे मनाते हैं। सफाई में जो नाच होता था हीरोइनों का, सफाई में जो काम होता था, उत्तर प्रदेश में विकास नहीं होता था, ये घोटाले होते थे। अब प्रदेश को एक बेहतर मुख्यमंत्री मिला है जो समाजवादी पार्टी के लोगों को तिनगी का नाच नचाएगा और हर घर में घुसकर पैसा वसूला जाएगा कि कहां घोटाला हुआ है, चाहे वो इंजीनियर हो, चाहे वो कोई भी हो। अभी तो जितने लोगों के नाम आए हैं सामने आए हैं, 500 करोड़ की चीज वहां पहुंचाती है और हमारे साथी तो सीबीआई को गंभीरता से नहीं लेते हैं। मैं निवेदन करूंगा माननीय पांडे जी, अपने नेता से कहिए कि आज के बाद वो कसम खा लें कि किसी चीज की सीबीआई जांच की मांग नहीं करेंगे, क्योंकि आप लोग गंभीरता से नहीं लेते हैं उसको। जब चोरी करते हैं, जांच होती है, दो रोते हैं, पकड़े जाते हैं, दो रोते हैं, तो रोने की एक आदत छोड़ दीजिए और सोचने दीजिए। ना कोई टाइमिंग है, कुछ है, संवैधानिक संस्थाएं हैं, ये जांच करेंगी और दूध का दूध और पानी का पानी करके छोड़ेंगी, क्योंकि भ्रष्टाचार करने का किसी को हक नहीं है। से हमको पता है कि आपसे लड़ना है तो कागज दुरुस्त होने चाहिए, ये हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी बोल चुके हैं। शाही जी आपने एक बात कही कि जो भी घोटाला हुआ है उससे जुड़े जो भी आरोपी हैं उनसे वसूली की जाएगी, ऐसा कोई बिल क्यों नहीं पास करते जो भी भ्रष्टाचारी हो उनके खिलाफ वसूली की जाए, ऐसा कोई बिल क्यों नहीं लेकर आते अब तक? ये है शिवम जी, ये ईडी जो संपत्ति उनकी अटैच करती है और लेके जाती है, वो वसूली के लिए तो करती है, क्यों करती है? हमारे हमारे वरिष्ठ आईएएस जो है वो कुछ कहना चाहेंगे। द्विवेदी जी, शिवम मैं सिर्फ बताना चाह रहा हूँ कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट पीएमएलए में स्पष्ट प्राविधान है कि अगर किसी ने मनी लॉन्ड्रिंग की है तो उससे वो रिकवरी की जाएगी, सरकार को उसका पावर है, सेक्शन 3(2) में इसका अधिकार दिया हुआ है, ठीक है। और इसका प्रयोग ईडी करती है और ईडी कर रही है, वर्तमान केस में भी उसने कुछ मामलों में किया है। बिल्कुल ठीक है शाही जी, अभी समाजवादी पार्टी के जो हमारे साथी हैं, जो हमारे साथ इस पैनल में जुड़े हुए हैं, उन्होंने एक सवाल उठाया कि जिस हालात में गोमती रिवर फ्रंट आपको सौंपा गया था, क्योंकि उसमें जनता की गाड़ी कमाई लगी थी, लेकिन आज वो उस स्थिति में नजर नहीं आता है। उसमें तो जनता की गाड़ी कमाई थी, आम जन की कमाई थी, ना किसी नेता की कमाई थी, ना किसी अधिकारी की कमाई थी। जी बहुत बढ़िया सवाल है कि जिस स्थिति में था आज नहीं है, उसमें क्या हम लोग कोई फाउंटेन उसका खोलकर भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यालय में लगवा लिया है या कोई नेता अपने घर ले गया? जो चीज आज क्यों नहीं चल रहा है फाउंटेन? बिना टेंडर के जो फाउंटेन और वाटर बस मंगाई गई थी वो कानपुर स्टेशन पर सड़ रही है। इन लोगों ने बिना टेंडर के जो मंगाया था जर्मनी और फ्रांस से वो सड़ रहा है वहां। अब तो आ गया ना, यहाँ पर जो अब चलने दीजिए, कहा नहीं चलने दीजिए, हम लोगों ने कहा रोका है, अभी कानपुर में सड़ रहा है, अभी भी कानपुर में है वो। तो सरकार तो आपकी आप लेकर आई है ना। देखिए 45 करोड़ तो खर्चा कर दिया इन्होंने फाउंटेन में, लेकिन 10 करोड़ का कस्टम नहीं चुकाया, ये भी उसमें यक्ष प्रश्न ये है। 10 करोड़ का इन्होंने, इनकी मंशा कुछ दूसरी थी, यानी 10 करोड़ के कस्टम के पीछे वो वहां पर सड़ता रहेगा। 45 करोड़ बेकार, तो 45 करोड़ के लिए क्यों मंगाया इन लोगों ने? ये घोटाला है ना, तो जांच हो जाने दीजिए, जांच हो जाने दीजिए। देखिए विवेक जी, आप विवेक जी पूरी बात करने दीजिए, शाही जी को पूरी बात करने दीजिए, आप बोलिएगा जी। शाही जी उसकी जांच चल रही है। देखिए पहला तो इन लोगों ने एक सीबीआई जांच कर रही है उसकी, कि बगैर टेंडर को कैसे वो जर्मनी और फ्रांस से मंगाई गई चीजें, वहां पर इन लोगों ने जरूर कागज में कोई घोटाला किया था, इस वजह से 10 करोड़ का इन लोगों ने वहां पर कस्टम ड्यूटी नहीं चुकाया, जिस वजह से वो चीज
शिप से आई है, वहाँ अहमदाबाद वहां से आई है, कानपुर में पड़ी हुई है। इन लोगों ने अपनी सरकार रहने तक उसको नहीं छोड़ाया, 2016 में वो आ गई थी। बाकी पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से आई है उत्तर प्रदेश में, रिवर फ्रंट में क्या कमी है, जो शहर के लिए सुंदरीकरण का चीज बन गया जनता की कमाई से, आज सभी चीजें प्रज्वलित हो रही है। इनकी सरकारों की तरह थोड़ा ही है कि अगर मायावती जी ने बनवा दिया तो आते ही जो है उनके अम्बेडकर उद्यान का लाइट कटवा दिया इन लोगों ने। ये लोग ये काम करते थे, ये लोगों ने ये चीज को शुरू किया। भारतीय जनता पार्टी ये चीज नहीं करती है। आप भी चलिए, हम भी चले, रिवर फ्रंट देखा जाए। विवेक जी, बंद हो चुकी है और डेली मुझे लगता है जितने लोग पैनल में सम्मानित प्रवक्ता और जितने भी लोग बैठे हैं, हर व्यक्ति उस लोड से गुजरता है तो वो जानता है बखूबी की क्या था, क्या है और क्या बनाया जा रहा है। जी मैं ये कह रहा हूँ आप जांच करते रहेंगे, लेकिन उस रिवर फ्रंट को दुर्दशा की स्थिति में क्यों पहुंचा रहे हैं? जलकुंभियां तैर रही है वहां, जलकुंभी तो नहीं तैर रही थी, बोटिंग होती थी उसमें, बोटिंग। लेकिन आप पर तो आरोप ये भी है कि बिना टेंडर के उनको मंगा लिया गया, केंद्र सरकार से भी परमिशन नहीं ली गई। आरोप तो ये भी है कि 1.1 मिलियन यूरो के गिफ्ट द सॉल्ट की ऑडिट रिपोर्ट में आया है राफेल के। दो देशों के बीच में जब डील होती है तो बीच में बिचौलियों की क्या जरूरत थी, और ये हमारी रिपोर्ट तो है नहीं, लेकिन हम इससे सत्य नहीं मान रहे ना, जांच का विषय है ना, जांच चल रही है। तो कहने का मतलब ये है कि जहां पे आप की सरकार है, जहां आपके लोग बैठे हैं, उस पर आप बात नहीं करेंगे, उस पर आप कोई चीज सामने नहीं आने देना चाहते, क्योंकि आप संवैधानिक संस्थाओं को प्रभावित कर रहे हैं। और जहां सवाल विपक्ष पूछेगा तो आप विपक्ष के ऊपर आरोप पड़ेंगे। अब ना आप सीबीआई हो जाएंगे, ना मैं सीबीआई हो जाएंगे, सीबीआई तो जांच कर ही रही है, जो होगा सबसे सामने आएगा। सवाल यहाँ ये था कि जो चीजें हैं, जो बना करके खड़ी कर दी गई थी, उनकी दुर्दशा क्यों कर रही है ये सरकार? ये लाइटें कटवाने की बात करते हैं, गोमती बराज के नीले पुल से आपको याद होगा नीचे एलईडी लाइटें चमकती थी, वो लाइटें बंद है सालों साल से। विवेक जी, 2017 से पहले जब आपकी सरकार थी तो मायावती जी ने जो स्मारक बनवाए थे उनमें भी उस तरह की कार्य करती तो मायावती जी को सम्मान से मंच पे स्थान देते हुए उनको वो सम्मान नहीं देती। अखिलेश यादव जी की राजनीतिक मानसिकता जो है विकासशील मानसिकता के, वो और अपराधीकरण ना हो इसीलिए डीपी यादव जी को टिकट न देने के मसले में पूरा राजनीतिकरण करते हुए साधने का भी प्रयास किया था। कोई ये बात नहीं कहेगा, मैं जिम्मेदारी से ये बात कह रहा हूँ पटल पे। तो आप ये चीज समझ लीजिएगा कि वर्तमान राजनीति में राजनीतिक शिष्टाचार के साथ राजनीतिक बदलाव की आवश्यकता है, मुद्दों की राजनीति की जरूरत है। पूर्वाग्रह की राजनीति तो हर पार्टी का इतिहास है। मैं तो कह रहा हूँ, हम तो युवा है, हम तो चाह रहे हैं कि मुद्दों की राजनीति कीजिए ना, आइए ना मुद्दों पर बात कीजिए। चलिए मनीष जी, बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे थे, मनीष जी। देखिए जैसे शाही जी ने बताया और मैं यादव जी की भी बात सुन रहा था, देखिए समझने वाली बात क्या है, जैसे जनता की गाड़ी कमाई और उसके बाद भी वहाँ लाइट लगाई जाती है, और ये भारत का मैं ये कहूँगा कि राजनीतिक इतिहास रहा है कि अगर एक सरकार कोई कार्य करा कर जाती है, चाहे वो म्यूजिकल फाउंटेन हो, चाहे आपका बिजली बासी का किला हो, या फिर आप रिवर फ्रंट देखिए, आने वाली सरकारें उसकी दुर्दशा करा देती हैं। इसमें कोई भी छुपी बात नहीं है, चाहे आप समाजवादी को ले लीजिए, चाहे भारतीय जनता पार्टी को ले लीजिए। अभी हो क्या रहा है कि एक स्थान जिसमें पैसा लग चुका है, सौंदीकरण हो चुका है, और ये मैं समाजवादी पार्टी से भी कहूंगा कि क्या आज वो म्यूजिकल फाउंटेन चालू है जो उससे सिर्फ 1 किलोमीटर दूरी पर है? ये मैं बीजेपी से भी सवाल पूछना चाहूंगा, क्या जो पैसा लग गया, जो एलईडी लाइट्स लग गई, क्या वो जल रही है? अरे भाई, ये जनता का पैसा है, इसको समझना पड़ेगा, ठीक है। दूसरी बात, सीबीआई पे बात होती है। देखिए होता क्या है कि अगर कोई भी बहुत ही डेकोरेटेड एजेंसी है या ऑटोनॉमस एजेंसी जो लगातार कार्य कर रही है, ये मैं कहना चाहूंगा कि कुछ उसको भी देखना पड़ेगा। 2018 में एक प्रकरण हुआ था जब आलोक वर्मा जी और राकेश अस्थाना जी का जो क्लैश था, आपको याद होगा, डायरेक्टर्स का, वो सड़क पे आ गया था। देखिए होता क्या है, आप समझिए, हर चीज का एक व्यू बनता है जब इतनी बड़ी एजेंसियां एक मैसेज जाता है, हाँ मैसेज जाता है, एक अपनी लड़ाई सामने सड़क पर आ जाती है तो उसकी जो गरिमा है, गरिमा पे सवाल उठता है, उसके ऑथेंटिकेशन पे सवाल उठता है, और आगे कहीं ना कहीं जाकर ये हर पार्टी को और हर पार्टी इसको अपनी तरीके से भुनाने की कोशिश करती है। देखिए आप मानिए, क्योंकि खुद आलोक वर्मा जी को भी उस टाइम सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ा था। ये हमारे लिए बहुत दुर्भाग्य की बात है कि भारत, जो देश का, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, उसकी इतनी बड़ी ऑटोनॉमस एजेंसी के दो डायरेक्टर्स अगर लड़के जो है सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचते हैं, तो जनता और पॉलिटिकल पार्टीज, क्योंकि देखिए पॉलिटिकल पार्टीज का काम है राजनीति करना, और
और इसका फायदा उठाना। चुनाव सब जीतना चाहते हैं, मुद्दे बनाए जाते हैं और बनते हैं या होते हैं, निकाले जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी ऑटोनॉमस बॉडीज की भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो अपने डेकोरम को मेंटेन करें। मतलब ये बहुत रिक्वेस्टफुली एक वो है, और जो जनता का पैसा लग गया है प्लीज वो लाइट्स या वो म्यूजिकल फाउंटेन जो मायावती जी के टाइम में था उसको चालू करवाइए, जिससे जो लखनऊ जो हम कहते हैं मुस्कुराइए आप लखनऊ में, वो जनता मुस्कुरा सके। जी बिल्कुल। एस के द्विवेदी जी, सर हम आपसे जानना चाहेंगे क्योंकि अभी दो चीजें बड़ी महत्वपूर्ण सामने निकल कर आई हैं। पहली कि जितनी भी संवैधानिक संस्थाएं हैं आज वो सवालों के घेरे में क्यों हैं। दूसरी ये कि जब भी कोई पूर्ववर्ती सरकार जो काम करा के जाती है उस पर वर्तमान सरकार पैसा खर्च क्यों नहीं करना चाहती, ये दो सवाल हैं आपसे, ऐसा क्यों होता है आखिर? शिवम देखिए, दोनों का जवाब मैं दे दूं। जी, जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, जो फुल्ली ऑटोनॉमस बॉडीज हैं, जिनकी जवाबदेही सीधे राष्ट्रपति को होती है, उनका भी डाइल्यूशन काफी हद तक हो गया है। क्योंकि आप ये गौर कर लीजिए, चाहे केंद्र में कोई भी सरकार बैठी रही हो, लंबे समय तक एक पार्टी की सरकार थी, उसके बाद मिक्स सरकारें बनी, अब वर्तमान सरकार काम कर रही है, इनके हेड्स जो आते हैं, डायरेक्टर्स आते हैं, उनका जो सिलेक्शन है उसका प्रोसीजर ये जरूर है कि उसमें नेता विरोध पक्ष भी एक सदस्य होता है, लेकिन तीन में से दो सदस्य ऐसे होते हैं जो प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में कमेटी बैठती है, वो अपनी चॉइस का आदमी लाते हैं। एक और परंपरा डेवलप हो गई है, मुझे कहना नहीं चाहिए क्योंकि मैं भी उसका एक पार्ट रहा हूं, कि हम अपना स्वार्थ ज्यादा देखने लगे हैं। अंग्रेजों ने जो हमारे में डिटोरिएशन, हमारा जो करेक्टर एसेसिनेशन किया, उसका जो सबसे बड़ा दुर्भाग्य निकल के आया कि हर व्यक्ति जो सत्ता के शीर्ष पर बैठा हुआ है, चाहे वो कोई भी हो, वो सेल्फिश हो गया है, और उसी का कारण है कि हमारे लिए राष्ट्र की प्रायोरिटीज बदलती जा रही हैं, और उसी का नतीजा है कि ये जो फुल्ली ऑटोनॉमस बॉडीज हैं उनके लोग किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में चलते हैं, चाहे वो कभी भी कोई भी सरकार रही हो। जी। अब रह गई दूसरी बात कि जो पैसा सरकार, मतलब सरकार ने जनहित में खर्च कर दिया है, अगर प्रोजेक्ट्स इनकम्प्लीट हैं तो उसको अगली सरकार जो आती है वो पूरा करना उसका दायित्व है, और ये करना चाहिए, ये मॉरल बाइंडिंग है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली एक जो परंपरा चली यहाँ पर, विशेष रूप से रीजनल पार्टीज के समय से शुरू हुई, कि हम पिछली सरकार के लगे हुए कोई भी चीज को आगे नहीं बढ़ाएंगे, उसमें बजट में कटिंग कर देंगे, सिक्योरिटी हटा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, तो उसका नतीजा ये हुआ कि जो चीजें सार्वजनिक संपत्ति के रूप में पब्लिक के पैसे से, पब्लिक के एक्सचेकर से बनी थी, उनमें नेग्लिजेंस शुरू हो गया और वो पूरी तरह से नेग्लेक्टेड हो गई। ये सरकारों को विचार करना होगा कि जो भी धरोहर इस प्रकार की किसी भी पार्टी की हो, अगर वो राष्ट्रहित में राष्ट्र के लोगों के पैसे से बनी है, तो उसका मेंटेनेंस, उसकी देखभाल करना, उसका रखरखाव करना, ये अगली सरकार का दायित्व है। जांच वांच वो करते रहे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, FIR हो चुकी है, रेड्स हो चुकी है, लेकिन जो इनकम्प्लीट चीज है, जैसा कि अभी हमारे पत्रकार महोदय ने कहा कि वो म्यूजिकल फाउंटेन है, या जैसे अभी हमारे शाही जी बड़े वरिष्ठ प्रवक्ता हैं, वो बोल रहे थे कि वो इंस्ट्रूमेंट्स वहां पे सड़ रहे हैं कानपुर में, ये आपका भी दायित्व है, आपकी सरकार का भी दायित्व है कि जांच अपनी जगह पे होती रहेगी, उसको कस्टडी में लेकर के जो भी उसकी फॉर्मेलिटीज हैं पूरी करके, और अब जो पैसा 45-40 करोड़ रुपया खर्च हो चुका है उसके ऊपर, उसको बचाएं, और वो जिस भी हालत में जहां भी लगना हो, अगर यहां नहीं लगाना है कहीं और लगाना है, उसको लगा दें। वो आ गया है, सरकारी संपत्ति से खरीदा गया, सरकारी पैसे से, सरकारी ट्रेजरी के पैसे से खरीदी हुई चीज है, तो उसका सदुपयोग भी राष्ट्रहित में आवश्यक है। बिल्कुल, और ये सरकार की जिम्मेदारी भी है। शाही जी, मैं आपसे फाइनल कमेंट चाहूंगा क्योंकि अब समय हमारे पास बहुत कम है। नहीं, एकदम द्विवेदी जी की बात से मैं सहमत हूं, सरकारों को करना चाहिए, लेकिन इसमें टेक्निकल मुद्दा ये फंसा हुआ है कि 45 करोड़ का तो संपत्ति वो आई, खरीद कर आई, और आज के डेट में 40 करोड़ और लगाना पड़ेगा उसमें, इस बीच में ये जांच चालू हो गई है,
वो सामान वहां पर पड़ा हुआ है, सुरक्षित है, कानपुर में ही पड़ा हुआ है, वो चीजें आज नहीं कल लगेंगी। और ये मैं खुल के कहना चाहूंगा कि अगर कोई भी सरकार हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की हो, सपा की हो, बसपा की हो, किसी की भी सरकार हो, जैसा कि इन लोगों ने, देखिए सपा की सरकार आई, जो स्मारकों पर मायावती जी ने प्रहरी नियुक्त किए थे, अभी द्विवेदी जी बोल गए, उसको हटा दिया इन लोगों ने, लेकिन फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उनको फिर से रखा है, सभी लोग इस समय काम कर रहे हैं वहां। तो सारी चीजें नहीं होती है, कुछ चीजें होती हैं जो नहीं होनी चाहिए, और मैं मानता हूं कि प्रदेश को सुंदर बनाने में सबका सहयोग होना चाहिए। जो सरकारें 5 साल आए वो उसके सुंदरता के लिए, उसके विकास के लिए बेहतर काम कर सके, और तभी एक जो है प्रदेश एक जगह मिसाल बनने की स्थिति में होगा। और माननीय योगी जी इस सोच के हैं, ये जांच खत्म हो जाने दीजिए, देखिए इन चीजों को फिर से हम लोग पुनर्स्थापित करने का काम करेंगे, जिससे कि प्रदेश की सुंदरता में 4 चांद लगेगा। यहाँ कोई सफाई में नाच नहीं हो रहा है, पूरे प्रदेश के विकास की बात हम लोग करते हैं, सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास जी, ये कायम रहेगा। ठीक है विवेक जी, फाइनल कमेंट। फाइनल कमेंट देखिए मेरा यही है कि पूर्वाग्रह की राजनीति से निकल करके राजनीतिक परंपरा को नए तरीके से इनको शाब्दिक मर्यादा के साथ लाना होगा। जिस प्रकार की परंपरा ये शुरू कर चुके हैं या जिस प्रकार की परंपरा ये चला रहे हैं इस समय चुनावों को लेकर के संस्थाओं को प्रभावित करते हुए, मैं या तो कहूंगा कि ये इसको समय से सुधार लें, या तो मैं बाकी राजनीतिक दलों से आह्वान करता हूं कि आप भी इनके राजनीतिक शिष्टाचार और इस परंपरा का निर्वहन करिएगा फिर, क्योंकि ये बहुत गलत संदेश जा रहा है पूरे समाज में, पूरे देश के सामने, पहली बात। दूसरी बात, इनके ऑक्सीमीटर खरीद के घोटाले से लेकर थर्मामीटर, पीपीई की टूथपेस्ट और ब्रश तक के घोटाले जो हुए हैं, उनकी भी जांच निष्पक्ष रूप से स्वयं करा ले तो बढ़िया है, वरना सरकार जब हमारी आएगी तो वैसे भी उन घोटालों की जांच निष्पक्ष रूप से इसी तरह की कोई संवैधानिक संस्था करेगी। और वर्तमान में जेपीएनआईसी आपके सामने एक बहुत बड़ी बिल्डिंग खड़ी है जो शहर के बीचों बीच है, ईश्वर न करे अगर तीसरी लहर आई तो मुझे लगता है कि शहर के बाहर ढूंढने से बढ़िया है कि इस इतनी बड़ी बिल्डिंग जो कर रही है, जो दूर भाग रही है, इसको स्पेशल कोविड सेंटर में बनाया जा सकता है, हेलीपैड तक अवेलेबल है ऊपर। तो मुझे लगता है थोड़ा सकारात्मक राजनीति का रुख लेते हुए मैं जाते जाते सुझाव भी दे रहा हूँ इसीलिए आपको कि थोड़ा सा संयमित होकर के जरा लोकतांत्रिक मूल्यों की भी मानसिकता को अपनाइए और थोड़ा लोकतांत्रिक मूल्यों का भी निर्वहन करिए, जिससे कि प्रदेश की जनता में एक नकारात्मक संदेश आ जाए और विपक्ष को साथ दीजिए, क्योंकि अभी हमारे सामने चुनौती जो है, ये ईडी सीबीआई चलती रहेगी, लेकिन हमारे सामने चुनौती जो है वो डेल्टा प्लस जो तीसरा वेरिएंट की बात हो रही है वो भी है। तो मुझे लगता है क्योंकि पिछले 2 कोविड काल में तो इन्होंने विपक्ष का साथ नहीं लिया और ना कोई सर्वदलीय बैठक बुलाई, तो मुझे लगता है तीसरी लहर ईश्वर न करे आए, मैं फिर कह रहा हूँ आप सभी सुरक्षित रहिए, लेकिन चलिए हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में जो सरकारें हैं वो विपक्षी पार्टियों से मिलकर सलाह मशवरा करके आगे की रणनीति तैयार करेंगे। मनीष जी आपका फाइनल कमेंट में जाओ। बस फाइनल कमेंट नहीं कहना चाहूंगा कि जनता का पैसा है, जनता की गाड़ी कमाई है, टैक्स पेयर्स हैं, उनके पैसे का सदुपयोग होना चाहिए, जांच होनी चाहिए, टाइमिंग पे सवाल उठते रहेंगे। 2022 की बिसात बीत चुकी है ये आप मान के चलिए, और अब मीडिया, सोशल मीडिया, नेता, प्रवक्ता, राजनीतिक पार्टियों का जो मेन फोकस रहेगा वो आपको उत्तर प्रदेश देखने को मिलेगा। ईश्वर ना करे तीसरी लहर आए, नहीं तो आप ये मान के चलिए कि आने वाले जो 6 से 7 महीने वो बहुत गर्म होने वाले हैं, गर्मी ऐसे ही बहुत ज्यादा होने वाले हैं, और 2022 में क्योंकि आम आदमी पार्टी ने भी जबरदस्त एंट्री करी है तो उत्तर प्रदेश देखने लायक होगा। राफेल की बात भी उठ रही थी जो है वो वाकई में देखने लायक होगी। सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, शाही जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, विवेक पांडे जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, एस के द्विवेदी सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, मनीष जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। और जाते जाते मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि सरकारें आती हैं जाती हैं, लेकिन पूर्ववर्ती सरकारें जिन कामों पर पैसा खर्च करती हैं उन्हीं कामों पर वर्तमान सरकारों को भी ध्यान देना चाहिए। धन्यवाद।